आप सबको नमस्ते मेरे चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है ऑल इन वन, जिसमें मैं आपको हर तरह की वीडियोस अपडेट कराती रहती हूँ। आज की जो वीडियो वो प्लाजो के ऊपर है। मैं आपको प्लाजो बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगी, जिससे कि आप किसी भी साइज़ का प्लाजो आराम से बना पाएंगे अपने घर में। आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी प्लाजो बनाने के लिए। तो शुरू करते हैं प्लाजो बनाना। सबसे पहले हमें कपड़ा चाहिए, कपड़ा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। उसके साथ में हमको चौक, इंची टेप और कैंची की ज़रूरत पड़ेगी। वो तो सबको ही पता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्लाजो बनाना। प्लाजो बनाने के लिए सबसे पहले हम प्लाजो के कपड़े को चार तय कर लेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से हमें इसको बनाना है। चलिए शुरू। ये देखिए मैंने चार तय कर ली है कपड़े की। जो ये हिस्सा है ये बंद हिस्सा है और दूसरा हिस्सा खुला हिस्सा है। तो सबसे पहले मैं आसन का निशान लगाऊंगी। आसन का जो निशान लगाऊंगी वो मैं 3 इंच का लगाऊंगी। आप 2.5 इंच भी ले सकते हैं, पर मैं 3 इंच का ही निशान लगाऊंगी। तो ये देखिए मैं आपको निशान लगाना बताती हूँ कि मैं निशान कैसे लगाती हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पे 3 इंच का निशान लगा रही हूँ। ये हम आसन की चौड़ाई का निशान लगा रहे हैं। मैं प्लाजो की जो कमर बना रही हूँ वो 40 इंच की कमर का बना रही हूँ। तो 40 इंच का चौथा हिस्सा 10 होता है। 10 में मैं आधा इंच ऐड करने वाली हूँ, तो वो 10.5 इंच हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 10.5 इंच का निशान लगा रही हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पे 10.5 इंच का निशान लगा रही हूँ। प्लाजो की जो कमर होगी चौड़ाई उसकी 2 इंच की रखेंगे, तो मैं यहाँ पे 2 इंच का निशान लगाऊंगी। हमारे जो आसन की लंबाई है वो 12 इंच है, तो हम जो 2 इंच ले रहे हैं उसको हम ऐड कर लेंगे उसमें। तो 14 इंच का निशान हम लगाएंगे। तो मैं सबसे पहले 14 इंच का निशान लगा रही हूँ। ये देखिए अब वहाँ जहाँ पे हमने 14 इंच का निशान लगाया है, यहाँ पे हम 3 इंच का निशान लगाएंगे चौड़ाई का, जैसे कि हमने ऊपर लगाया था। अब हम इन दोनों निशानों को मिला देंगे। मिलाते टाइम आप ये देखिएगा कि ये 14 इंच का ही होना चाहिए। अगर 14 इंच का नहीं है तो आप उसको 14 इंच का कर लीजिए सही से। ये देखिए ये निशान लग गया है। अब इस निशान को हम शेप देंगे, जो कि हम यू शेप का बनाएंगे। तो ये देखिए मैं इसको गोल निशान लगा रही हूँ। आप भी इसी तरीके से इसमें गोल निशान लगा लीजिएगा इस तरीके से। आप इसको गोल शेप दे दीजिए। गोल शेप लगाने से प्लाजो की जो फिनिशिंग आएगी वो बहुत अच्छी आएगी और किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी उसकी शेप में। ये देखिए मैंने यहाँ पे तो निशान लगा दिया। अब हम इधर की तरफ का निशान लगाएंगे, जो मैंने बेल्ट का निशान लगाया था ये वाला। यहाँ से मैं वो कोने तक का निशान लगाऊंगी तिरछा, क्योंकि हमें जो प्लाजो बनाना है वो हमें घेरे वाला बनाना है, तो उसके लिए हमें टेढ़ा निशान लगाना पड़ेगा। तो जिस तरीके से मैंने इंची टेप रखा है, इस तरीके से हम अभी एक लाइन खींचेंगे। तो मैं आपको खींच के दिखाती हूँ लाइन। ये देखिए मैंने एक लाइन खींच ली है। अब हम क्या करेंगे, हम प्लाजो की लंबाई को पूरा नापेंगे कि हमारे प्लाजो की लंबाई क्या है। तो मैंने जो प्लाजो की लंबाई नापी है वो 40.5 इंच की आ रही है। तो अब हम यहाँ पे 40.5 इंच का निशान लगाएंगे, ताकि हम प्लाजो के नीचे की गोलाई का हिसाब कर सकें, क्योंकि हमें प्लाजो नीचे से सही शेप में चाहिए। अगर हम बिना इसके ऐसे ही सिल देंगे तो प्लाजो सही से नहीं आएगा। तो अब मैं यहाँ पे 40.5 इंच का निशान लगा रही हूँ। 40.5 का निशान लगाने के बाद में मैं 1/2 में भी उसका निशान लगाऊंगी, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि मेरे प्लाजो की नीचे से गोल शेप आ रही है कि नहीं आ रही है। तो मेरे जो प्लाजो के नीचे की शेप है वो 40.5 के हिसाब से गोल शेप में नहीं आ रही है, तो इसलिए मैं उसको 40 इंच पे कर रही हूँ, 1/2 इंच कम करके, ताकि मेरे प्लाजो की जो नीचे की शेप है वो गोल है। ये देखिए मैंने 40 इंच पे लगा दिया है। अब मैं सारे में नीचे 40-40 इंच का निशान लगा लूँगी, जिससे कि मेरे प्लाजो की शेप एकदम से गोल आए।
और हम जो निशान लगाएंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा दूर पे निशान नहीं लगाएंगे, हम 2-2 इंच की दूरी पे निशान लगाएंगे जिससे कि हमें हमारे प्लाजो की सही से शेप पता चले। तो अब मैं शुरू से नीचे 40 इंच का निशान लगा रही हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे भी 40 इंच का निशान लगा लिया। अब मैं 2-2-3 इंच की दूरी पे 40-40 इंच का निशान लगाऊंगी नीचे। अब जो मैंने नीचे निशान लगाया है वो निशान पूरा लगाने के बाद में मैं आपको डार्क करके दिखाऊंगी कि ये निशान किस तरीके का बना है। मैं नीचे का निशान आपको डार्क करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये निशान डार्क हो चुका है। हमारा जो प्लाजो पे निशान लगाने का काम था वो पूरा हो चुका है। अब सिर्फ हमें प्लाजो अपना कट करना है। तो कट करने के लिए सबसे पहले जो हमने आसन का निशान लगाया था हम उसको कट करेंगे। कट करने से पहले कपड़े को एकदम सही कर ले ताकि कपड़ा ऊंचा नीचा ना कटे। तो जो हमने आसन का गोल निशान लगाया था ये वाला, अब हम इसको कट करेंगे। अब जो हमने टेढ़ा निशान लगाया था मैं आपको ये कट करके दिखाती हूँ। जैसे निशान लगाया हमें वैसे ही कट करना है। देखिए ये मैंने यहाँ से काट दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने नीचे गोलाई का निशान लगाया था अब हम इस हिस्से को काटेंगे। मैं आपको काट के दिखाती हूँ। जो हमने निशान लगाया उसी पे ही हमें काटना है, उसके अलावा हमें नहीं काटना है। ये देखिए ये नीचे से हमने काट दिया है। अब हम क्या करेंगे, हमने जो बेल्ट का 2 इंच का निशान लगाया था मैं उस निशान को दोबारा से लगाऊंगी। उसको हम डार्क कर देंगे जिससे कि हमें पता रहेगा कि हमारा बेल्ट का निशान कहाँ लगा था। ये देखिए मैं जैसा लगा रही हूँ आप भी वैसे ही लगाएगा। अब इसको हम डार्क करेंगे। ये देखिए हमने डार्क कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमने तय करी थी इसकी 4 तय जहाँ से हमने करी थी, तो जो ये वाला हिस्सा है हम इसको भी काटेंगे। तो इसको हमें बिल्कुल सीधा काटना है। आप भी इसी तरीके से सीधा काटेगा, टेढ़ा मेढ़ा मत काटेगा, खोल के मत काटेगा, इसको ऐसे तय लगे में ही काटेगा तभी कपड़ा सीधा कटेगा। ये देखिए प्लाजो हमारा कट चुका है और अब हम इसको सिलेंगे। तो इसके 4 भाग हो चुके हैं, आपको दिख रहे होंगे। अब मैं आपको इसको सिलना बताऊंगी कि किस तरीके से सिला जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम 2 भागों को एक साथ सिलेंगे, 4 भाग हैं। तो जो हमारा आसन का हिस्सा था हम सबसे पहले उसको सिलेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि उस आसन के हिस्से को हम किस तरीके से सिलेंगे। ये देखिए 2 भाग हम एक साथ लेंगे जैसे कि हमने काटा था उसी तरीके से, और दोनों भागों को हम इस तरीके से सिल देंगे। जब आप सिलाई करें तो ध्यान रखिएगा कि जो हम सिलाई कर रहे हो वो हम 1/2 इंच अंदर कर रहे हो ताकि हमारी सिलाई पक्की हो जाए। इसी तरीके से हमें दूसरा हिस्सा भी सिलना है। ये देखिए मैंने सिल दिया है, जो हमने आसन का हिस्सा सिला था। अब हम क्या करेंगे, इसकी साइड की सिलाई सिलेंगे।
तो साइड की सिलाई के लिए हम एक के ऊपर एक कपड़ा रखेंगे, जो कि हम सबसे नीचे वाला कपड़ा जो रखेंगे वो हम सीधा रखेंगे और जो दूसरा कपड़ा है वो उल्टा रखेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो कपड़ा है वो उल्टा हो जाएगा, तो सीधे के ऊपर सिलाई नहीं होएगी। अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ से हम साइड की सिलाई सिलेंगे, यहाँ से ऊपर से लेके नीचे तक की सिलाई सिली जाएगी और दूसरे तरफ के भी ऊपर से लेके नीचे तक की सिलाई सिली जाएगी, ये वाली। मैं आपको दोबारा बताती हूँ किस तरीके से सिलना है। ये वाला एक तरफ का सिलाई हम सिलेंगे ऊपर से नीचे तक का, और इसी तरीके से हम दूसरा भी ऊपर से नीचे तक का सिलाई सिलेंगे। मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। ये देखिए साइड की जो सिलाई है वो पूरी हो चुकी है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए ये सिल दिया है हमने साइडों का। अब मैं आपको नीचे इसका मोड़ने का बताऊँगी कि हम नीचे से किस तरीके से मोड़ेंगे। तो मोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, हम उल्टी तरफ से ही मोड़ेंगे, सीधी तरफ से हम नहीं मोड़ेंगे। तो मोड़ने का जो तरीके होते हैं वो दो तरीके होते हैं, तो मैं आपको दोनों तरीके बताऊँगी। एक तरीका ये होता है कि आप उसको डबल फोल्ड करके सिलाई करें, और एक जो तरीका होता है वो सिंगल फोल्ड करके आप उसमें पहले सिलाई करें, जब वो पूरे में सिलाई हो जाए तो आप दोबारे से एक बार मोड़ें और फिर उस पर सिलाई करें। तो मैं आपको यही तरीका बताऊंगी सिंगल मोड़ के सिलाई करने वाला। तो चलिए मैं आपको सिल के बताती हूँ। ये देखिए मैंने एक बार मोड़ के इसमें सारे में सिलाई लगा ली है। अब मैं इसको दूसरी बार मोड़ के सारे में सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से आपको मोड़ना है और सिलाई लगानी है। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने नीचे से किस तरीके का सिला है। ये देखिए मैंने नीचे से डबल फोल्ड करके अच्छे से सिल दिया है। अब जो सिलने की बारी आती है वो लंबाई की आती है, जो कि हमारे आसन के पास की है। तो मैं आपको बताती हूँ कि उसको किस तरीके से सिला जाता है। उसको सिलने का एक अलग तरीका होता है। वो तरीका ये होता है कि आप आसन के बीच में से मशीन को रख के सिलेंगे, एक तरफ की सिलाई आप बीच में से करके सिलेंगे, जब वो सिलाई आपकी पूरी हो जाए तो आप दूसरी तरफ की सिलाई भी बीच में से रख के साइड में से सिलेंगे। मैं आपको ये सिल के बताती हूँ कि इसको किस तरीके से सिला जाता है। अब हम अपनी बेल्ट का काम करेंगे। बेल्ट का काम करने के लिए हम सारे में दो दो इंच का निशान लगाएंगे। मैं आपको निशान लगा के दिखाती हूँ सारे में हम दो दो इंच का निशान किस तरीके से लगाएंगे। ये देखिए जैसे मैं दो दो इंच का निशान लगा रही हूँ वैसे ही आपको आगे पीछे दोनों जगह पे दो दो इंच का निशान लगाना है। ये मैंने आगे की तरफ दो दो इंच का निशान लगा दिया। अब जो मैंने निशान लगाया मैं उसको अच्छे से मिला दूंगी। ये देखिए इस तरीके से हम सारे निशान को मिला देंगे। इसी तरीके से अब हम उल्टी तरफ भी निशान लगाएंगे। मैं आपको निशान लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसमें निशान लगा दिया। अब मैं आपको इसको मोड़ना बताऊँगी किस तरीके से मोड़ता है ये। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको मोड़ना। जो हमने निशान लगाया है उतना हम इसको मोड़ेंगे अंदर की तरफ, क्योंकि हम उल्टी तरफ से सिलाई लगाएंगे। आप ये ध्यान रखें कि जो हमने निशान लगाया हम उसके बराबर ही इसको मोड़ें, जैसे कि मैं आपको मोड़ के दिखा रही हूँ। अच्छे से करके फिर आप इसको खींच ले ताकि ये बराबर हो जाए। और बराबर होने के बाद में मैं आपको बताती हूँ कैसे मोड़ना है। जब ये अंदर की तरफ मुड़ जाएगा तो हम आधा इंच कपड़ा और अंदर की तरफ मोड़ेंगे, और जहाँ पर हमने मोड़ा वहाँ पर हम पूरे में सिलाई लगाएंगे। तो मैं आपको सिल के बताती हूँ उसको कैसे सिलना है। ये देखिए हमारा प्लाजो बनके तैयार हो गया है। मैं इसकी फ़ोटो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर दबाइएगा और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही नई नई वीडियोस आपको देखने को मिले। और साथ में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसे लगी। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।